हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 250 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर के ऊपर से कैसा व्यू आता है और बॉयलर से कैसा दिखता है एक थर्मल पावर प्लांट। एक्चुअली मैक्सिमम जो भी 250 टाइप की यूनिट्स होंगी वो आपको ऐसे ही दिखने में दिखेंगी। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम रहे क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है बॉयलर। इसमें फर्नेस होती है जहाँ पे कॉल फायर किया जाता है और स्टीम जनरेट की जाती है। ये लगभग 56 मीटर हाइट होती है इसकी, जो 250 मेगावाट का प्लांट होता है उसमें। ये जैसे अभी आप देख सकते हो, ये इसका 0 मीटर से और ये इस टाइप का दिखता है। ये एक यूनिट है और हमारे प्लांट की ये दूसरी यूनिट है। सेम आइडेंटिकल होती हैं लगभग 250 मेगावाट की जो भी यूनिट होती हैं वो। ये जो सामने आप देख रहे हो ये आपको स्विच यार्ड दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे यहाँ पे एक 220 का स्विच यार्ड है ये वाला, और ये 400 केवी का स्विच यार्ड है। चलिए अब आगे देखते हैं और कैसा दिखता है थर्मल पावर प्लांट 56 मीटर की हाइट से। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हमारे ये है स्टैक चिमनी। जैसे हमारे यहाँ पे 4 चिमनियाँ हैं इस प्लांट में क्योंकि 6 यूनिट्स हैं। एक ये आपको ये दिख रही है, एक ये हो गई, दो चिमनियाँ ये हैं और वो आगे जो आपको दिख रहा है उनमें एक कूलिंग टावर है और जो रेड और वाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं हमारे, उनकी चिमनियाँ। ये जो आप ये देख सकते हो ये स्टैक है, इसकी 225 मीटर के आसपास हाइट है, 225 मीटर। ये जो आप देख रहे हो ये कवर्ड स्ट्रक्चर, ये है कन्वेयर लगी हुई है इसके अंदर जो कोल ट्रांसपोर्ट करती है कोल हैंडलिंग प्लांट से CHP से यहाँ बंकर में, बंकर फिल करते हैं उसमें। उसके अलावा जैसा मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हो ये टॉप व्यू है ESP का, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जैसा ये इसका काम होता है कि जो फ्लाई ऐश होती है उसको रिमूव करना फ्ल्यू गैस से। ये जो आप सामने देख रहे हो ये हमारा कोल यार्ड है, इसमें ये कोयले का स्टॉक किया हुआ है। हमारे यहाँ पे 2 कोल यार्ड हैं, एक ये आपको दिख रहा है और एक ये देखिए ये वाला, 2 यार्ड हैं। उसके अलावा जो ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं इनमें क्रशर हाउस है, जो कोयले को पीसने का काम करते हैं, जो बारीक किया जाता है वो इन क्रशर हाउस में किया जाता है। उसके अलावा आगे ये आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अभी जो ये एक तरीके से ये वेपर दिख रही है, वेपर है इस वाटर वेपर, ये एक्चुअल में कूलिंग टावर है यहाँ पे जो हमारी यूनिट चल रही है उसका, तो उससे ये वाटर वेपर्स निकल रही हैं। उसके आगे ये हमारे रॉ वाटर स्टोरेज के डिग्गियाँ बनी हुई हैं। ये जैसे ये दूसरी यूनिट का जो कन्वेयर है वो दिखाई दे रहा है। उसके अलावा और देखते हैं, ये आपको स्टैक्स दिखाई दिया चिमनियाँ मैंने, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट है इसका आप देख सकते हो। ये कूलिंग टावर है और ये स्टैक्स है, इसकी चिमनी की हाइट लगभग 275 मीटर है। ये इनका रो वाटर स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज डिग्गी है, रिजर्वायर जिसको बोला जाता है। उसके अलावा भी यहाँ पे बारिश का मौसम है तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ये ESP दिखा दिया मैंने, ये दूसरे यूनिट की ESP हैं, उसके आगे अदर यूनिट की ESP हैं। उसके अलावा देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बॉयलर ड्रम दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे आपने बॉयलर ड्रम के बारे में काफ़ी सुना होगा, नॉर्मली जो भी थर्मल पावर प्लांट के वीडियोज़ होते हैं उसमें बॉयलर ड्रम का जिक्र
आ ही जाता है जो सब क्रिटिकल यूनिट्स होते हैं उनमें। हाँ, सुपर क्रिटिकल यूनिट्स में बॉयलर ड्रम नहीं होता है। ये जैसे स्टैक्स में आपको धुआं नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ESP अपना वर्क कर रही है। ये देखिए, मैं अभी आपको बॉयलर ड्रम दिखाता हूँ। ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, 56 मीटर हाइट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये यहाँ से ये भी आता है। ये जो आपको दिख रही हैं ये स्टीम्स की लाइंस हैं, इनके अंदर स्टीम्स होती है। जैसे ये दूसरी स्टीम्स की लाइन है, मैं आपको कभी किसी वीडियो में, अलग वीडियो में इसको क्लेरिफाई करूँगा कि कौन सी लाइन कौन से स्टीम की है। अभी हम एक बॉयलर ड्रम देखते हैं यहाँ से, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं फिर अगले वीडियो में। ये जो आप देख रहे हो ये है बॉयलर ड्रम। यहाँ पे अभी लाइट थोड़ी है नहीं तो इस वजह से अच्छे से दिख नहीं पा रहा। इसका काम होता है कि स्टीम और वाटर को सेपरेट करना। ये पूरा, ये आपको डायर देखा था और इसकी लेंथ होती है लगभग वहाँ तक, जहाँ आपको सामने देख रहे हो वो इसकी लेंथ है। ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये टैंक, ये है डी रेटर टैंक जो एयर रिमूव करने के काम आता है, फीड वाटर से एयर रिमूव करने के। ये कुछ स्टोरेज टैंक हैं। ये इस बिल्डिंग के अंदर टर्बाइंस लगी हुई हैं 13.5 मीटर पे। ये जैसा मैंने अभी देखा था कि ये स्विच यार्ड है। तो दोस्तों, ये आज हमने एक छोटा सा वीडियो ओवरव्यू देखा है, टूर लिया है इसका, थर्मल पावर प्लांट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे टर्बाइन सेक्शन का अलग से वीडियो बनाऊंगा और जो और सेक्शंस हैं उनके अलग अलग वीडियो का टूर आपको करवाऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये व्यू आप देख सकते हो, ये दूसरी यूनिट का व्यू है। ये जो सामने दिख रहा है इसमें आप यहाँ से कुछ ये और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जैसे जूम करके, ये बंकर्स हैं, इनमें कोल्ड स्टोरेज रहता है और ये ट्रांसपोर्ट टीपी पॉइंट होते हैं जहाँ से कोयला एक बेल्ट कन्वेयर से दूसरे बेल्ट कन्वेयर पर ट्रांसफ़र होता है। तो थैंक यू दोस्तों आज के, आई होप यू लाइक इट। और मैं जल्दी एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको टर्बाइन वगैरह के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।